नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे लोक पर्व हरेली की शुभकामनाओं के साथ सीमांत जनपद सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में, लोकसभा चुनाव के चलते झूलाघाट का अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल सील होने के बाद आज गुरुवार को भारत से नेपाल जा रही बारात के लिए खोला गया। बारातियों के पास उच्च अधिकारियों का परमिशन लेटर था, जिसके चलते पुल पर तैनात SSB 55वीं वाहिनी के असिस्टेंट कमांडेंट टी सिरिंग दोरजी के उपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय पुल खोलकर बारात को नेपाल भेजा गया। सायंकाल नवरात्रि समाप्त होने के बाद नेपाल त्रिपुरा सुंदरी गए भारतीय श्रद्धालुओं के लिए भी भारत आने के लिए अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल खोलकर भारत लाया गया, जिसको लेकर बारातियों और श्रद्धालुओं ने सरकार द्वारा दी गई सुविधा का बहुत बहुत आभार व्यक्त किया है। पिथौरागढ़ में आज पर्यावरण प्रेमी दिनेश गुरानी ने 10वीं पर्व पर एक नई शुरुआत करते हुए बच्चों को पर्यावरण संरक्षण की मुहिम से जोड़ने के लिए कन्या पूजन के बाद बालिकाओं को पौंद भेंट किए। 10वीं पर्व पर पर्यटक आवास गृह में कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पूजन से पूर्व दिनेश गुरानी के साथ बालिकाओं ने परिसर में पौंद रोपित किए। इस दौरान बालिकाओं को पर्यावरण संरक्षण का महत्व बताया गया। इधर कालचीन भूमिया भगवती मंदिर पितरौटा परिसर में चैत्र मास के नवरात्र के अवसर पर साध्वी सोनी द्वारा कन्या पूजन संपन्न कराया गया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के चिमशानवाला में शनिवार से संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन होगा। आयोजक पंडित आनंद वल्लभ जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ में कथा का वाचन शास्त्री पंडित किशोर जोशी करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के शुभारंभ अवसर पर घंटाकरण से चिमशानवाला तक कलश यात्रा निकाली जाएगी। आगामी 26 अप्रैल को पूर्ण आहुति के साथ भंडारे का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से प्रतिदिन कथा का श्रवण करने के साथ ही पारायण अवसर पर भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने का आह्वान किया है। असंगठित कर्मकार मजदूर कल्याण संघ का सदस्यता अभियान जारी है। सदस्यता ग्रहण करने व अधिक जानकारी के लिए पदाधिकारियों व कार्यालय से संपर्क करें। धन्यवाद। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपने उज्जवल भविष्य की सोच रहे हैं तो पिथौरागढ़ शहर में अब उपलब्ध है रोजगार परक शिक्षा हेतु मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एकमात्र प्राइवेट कॉलेज है। जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे सभी डिग्री कोर्सेज हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ सीमित। और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहां आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर, तो देर किस बात की। अभी संपर्क करें या चले आए कमल फर्नीचर, नया बाजार पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के सोरघाटी में आज चैतौल पर्व का आगाज हो गया। सेरा गांव से माँ उल्का देवी का डोला माँ के जयकारों के साथ उठा। इस दौरान क्षेत्र का वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय बना रहा। अवतरित हुए देवडांगरों ने लोगों को आशीर्वाद दिया। पिथौरागढ़ नगर के शीर्ष में सेरा गांव की पहाड़ी पर स्थित उल्का देवी को सोर क्षेत्र की रक्षक देवी के रूप में मान्यता प्राप्त है। चैत्र नवरात्रि के 10वीं को सेरा गांव से उल्का देवी का डोला उठता है। देवी का डोला उठने के साथ ही सोर में चैतौल पर्व का आगाज होता है। गुरुवार आज सेरा गांव में ढोल नगाड़ों के साथ गांव के युवा उल्का देवी मंदिर पहुंचे। पूजा अर्चना के बाद देवी का खाली डोला गांव में लाया गया। गांव के मंदिरों भगवती मंदिर, कालिका मंदिर, भूमिया देव मंदिर, भवानी माता मंदिर में पूजा अर्चना की गई। पुजारी कंचन पुनेठा, रोहित पुनेठा ने विधि विधान से पूजा संपन्न कराई। इस दौरान भूमिया देवता के डंगरिया कविंद्र मेहता व अन्य डंगरियों मोहित, किशन, योगेंद्र, धर्मेंद्र, पीयूष आदि ने अवतरित होकर सभी को आशीर्वाद दिया। इसके उपरांत ढोल नगाड़ों की थाप पर ध्वज पताकाओं के साथ देवी को डोले में बिठाकर धुनी में परिक्रमा कराई गई और इसके बाद गांव से मंदिर के लिए डोला रवाना हुआ। देवी का डोला GGIC होते हुए चंडाक रोड से परंपरागत मार्ग से उल्का देवी मंदिर पहुंचा। इस दौरान मार्ग में देवी का आशीर्वाद पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। डोले के साथ लोगों ने मंदिर की परिक्रमा की और पूजा अर्चना कर क्षेत्र में सुख शांति और समृद्धि की कामना की गई। माहौल का डोला मंदिर पहुंचने के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। सेरा गांव में उल्का देवी का डोला उठने से पूर्व नवरात्र की अष्टमी और नवमी की रात्रि गांव में
जागर का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर गजेंद्र सिंह, प्रेम सिंह, हेमंत मेहता, सागर सिंह, रवि मेहता, राजेंद्र सिंह मेहता, चंद्र प्रकाश मेहता, किशन खड़ायत, दीपक मेहता, भीम सिंह, विक्की मेहता, मोहित मेहता, पूर्व पालिका अध्यक्ष जगत सिंह खाती सहित कई लोग मौजूद थे। सबसे पहले तो उनका माता को प्रणाम करेंगे। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवरात्रि स्वाहा सदा नमोस्तुते। विगत वर्ष की भांति इस बार भी चैत्र मास में दशमी के अवसर पर जो सेरा ग्राम से डोला होता है माता का स्वरूप उनके हृदय में आता है और वही डोला जाकर दुर्गा देवी मंदिर में स्थिर होता है और विसर्जन होता है। वहाँ उनको विसर्जित किया जाता है, उनको तिलक किया जाता है, बाद में उसके बाद भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस जैतोल की बड़ी महिमा है और सबसे पहले ये सेरा ग्राम में ही प्रारंभ होता है, उसके बाद ही अन्य ग्रामों में खड़ा करके ये जैतोल की परंपरा प्रारंभ होती है। गुरु जी आपका शुभ नाम? मेरा राधाकृष्ण सिंघा नाम है। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स और ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। निखिलेश्वर चिल्ड्रंस एकेडमी लिंक रोड पिथौरागढ़ में प्रवेश प्रारंभ। शहर का सर्वश्रेष्ठ स्कूल जहां हर बच्चे को मिलता है समान और आदर्श पढ़ाई का माहौल और सुरक्षित वातावरण। पिथौरागढ़ नगर के कैंट रोड स्थित श्रीमती भावना गुलेरिया मेमोरियल पब्लिक स्कूल में इस वर्ष प्रवेश शुल्क माफ, मासिक न्यूनतम शुल्क तथा निशुल्क वाहन सुविधा के साथ अपर KG से सैन्य विज्ञान की पढ़ाई और अन्य विद्यालयों से आने वाले विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष मुफ्त ड्रेस सहित कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करने की कृपा करें। धन्यवाद।